तहसील पुलिस थाना अंतर्गत एक धमकी का मामला उजागर हुआ है, जहां एक अधिवक्ता को कुख्यात अपराधी द्वारा गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी गई, जिसके चलते शिकायत के संज्ञान पर अपराधी को हिरासत में लेते हुए विभिन्न धारा अंतर्गत गुना दाखिल किया गया है। दरअसल हंसापुरी निवासी संजय बालपांडे पेशे से वकील है। उन्होंने कुछ दिनों पहले हंसापुरी से मनपा के ग्राउंड की स्वच्छता की, जिससे कि वह स्थानीय जनता के उपयोग में आ सके। लेकिन शुक्रवार की रात निकुंज गौर नामक व्यक्ति मनपा मैदान में दाखिल हुआ, तब 10 बज चुके थे, जो कि ग्राउंड का बंद होने का समय था। उसी बीच गौर ने धमकाते हुए गार्ड से ग्राउंड 12 बजे तक खुला रखने की बात कही, जहां गार्ड ने बताया कि बालपांडे सर के आदेश से यह ग्राउंड 10 बजे तक ही खुला रखा जाता है। उसके बाद अपराधी ने अधिवक्ता बालपांडे को कॉल करते हुए गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी भी दी, जिसकी शिकायत फिरियादी द्वारा तहसील पुलिस थाने में की गई। शिकायत की संज्ञान पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसका पहले से ही विभिन्न पुलिस थाना अंतर्गत आपराधिक रिकॉर्ड निष्पन्न हुआ है, जिसके विषय में जानकारी दी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विनोद पाटिल ने। हंसापुरी खदान मध्ये ॲडव्होकेट संजय बालपांडे असतात, त्यांनी हंसापुरी खदान येथे जे मनपाच्या शाळेचं ग्राउंड आहे तिथे स्वच्छता करून गाळ वगैरे नेमून मुलांना खेळण्यासाठी व्यवस्था केली आहे। परंतु निकुंज गौर हा आरोपी शुक्रवारी 10 वाजेच्या दरम्यान तिथे गेला आणि गार्डला बोलला की हे ग्राउंड 10 वाजता का बंद करतात, हे 12 वाजेपर्यंत खुलं ठेवायला पाहिजे। गार्ड बोलला की बालपांडे साहेबांनी मला तर सांगितलं आहे। लगेच त्याने त्याच्या मोबाईलवरून ॲडव्होकेट बालपांडे साहेब यांना फोन केला आणि हे ग्राउंड 12 वाजेपर्यंत का तुम्ही खुलं ठेवत नाहीत, आणि त्यांना अशी शिवीगाळ केली, तशी जीवे मारण्याची धमकी वगैरे दिली। आरोपी हा रेकॉर्डचा गुन्हेगार आहे। त्याच दिवशी त्याच्यावर एक पोलीस स्टेशन येथे 326 गुन्हा दाखल झाला होता आणि दुसऱ्या दिवशी त्याने त्याच्या हातात एक हत्यार वगैरे होतं भाऊ आणि तो शिवीगाळ केली आणि त्या गाडला त्याने मारहाण केली या कारणावरून, म्हणून त्याच्याविरुद्ध माधवी 294506 गुन्हा दाखल झालेला आहे। आरोपी पहिल्या गुन्ह्यात त्यांच्याकडे ताब्यात आहे, या गुन्ह्यात पण आम्ही त्याला घेऊ आणि सखोल चौकशी करून त्याच्याविरुद्ध दोषारोप पत्र पाठवण्यात येईल। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष टेमरे की रिपोर्ट।